स्वच्छ अभियान का शतक। जी हाँ, मोदी के सफाई योगी स्वामी रामदेव हमारे साथ सीधे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो बड़े दिनों से दिख नहीं रहे थे, आप कहाँ थे? बहन, मैं तो हिंदुस्तान में था पहले, और अभी यूरोप गया था, जर्मनी गया था और यूके गया था। पूरे क्योंकि बहुत अरसे से मैं बाहर जा नहीं पाया था, तो बाहर भी जो योग का कार्य है वो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। और अब तो आदरणीय मोदी जी ने पहली बार यूएन के अंदर योग का विषय उठाया और योग को वैश्विक पटल पर एक प्रतिष्ठा देने की बात की है, जिससे कि एक शांति और समृद्धि अहिंसक तरीके से पूरी दुनिया में लाई जा सके। तो क्योंकि पीस एंड नॉन वायलेंट प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ है, डेवलपमेंट, ये तभी हो सकता है जब योग हो। तो मैं उस योग को लेकर के बाहर गया था। यहाँ आते ही हमने करीब 1000 कार्यकर्ताओं के साथ कल स्वच्छता अभियान चलाया और करीब 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 100 ट्राली कचरा जो है हमने निकाला गंगा जी से लेकर के और हर की पौड़ी तक, हरिद्वार, क्योंकि पूरी दुनिया की के लिए आस्था का केंद्र है और यह हमारी आध्यात्मिक धार्मिक राजधानी है। तो यहाँ से हमने स्वच्छ भारत अभियान, जो मोदी जी का सपना है कि 2019 तक हम महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर उनको एक तोहफा दे पाएं कि जो उनका संकल्प था भारत को लेकर के, उसको हम पूरा कर पाएं, तो उसमें लगे हुए थे। लेकिन कई दिनों से दिख नहीं रहा था, तो हमें लगा कि ऐसा तो नहीं है कि दिख नहीं रहे स्वामी जी, अब निश्चिंत ही हो गए आप नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद? नहीं, देखिए, राजनीतिक तौर पर निश्चिंतता इस रूप में है कि एक ये अवसर आया है हिंदुस्तान में जब एक प्रधानमंत्री दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक ईमानदारी, पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल ऑनेस्टी के साथ देश को लीड कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम निश्चिंत हैं। और बाकी जो हमारे रचनात्मक कार्य हैं, हम पूरे देश भर में स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और स्वच्छ भारत, इन तीन बड़े कोजेज को लेकर के एक बड़ी कार्ययोजना के तहत हमने कार्य शुरू कर दिया है और इसका परिणाम आप बहुत जल्द ही देखेंगे। जैसे योग और आयुर्वेद का परिणाम आपने देखा, एक परिवर्तन की हमने जमीन तैयार की, वो सब कुछ आपने देखा, तो इन तीन संदर्भों में भी आप बड़ा काम आने वाले भविष्य में देखेंगे। हम कभी भी मौन नहीं हुए, हम कभी भी अकर्मण्य नहीं हुए और निरंतर पुरुषार्थ को ही, अपना कर्म को ही अपना धर्म मान करके हम जीते रहे और आज भी जी रहे हैं। आगे भी आपको स्वामी रामदेव उसी रूप में दिखेंगे। स्वामी जी, दो सवाल। पहला सवाल ये कि क्या जैसे सब लगता है जैसे सब इंतजार कर रहे थे क्या कि नरेंद्र मोदी आएंगे, स्वच्छ भारत अभियान छेड़ेंगे, तब हम हाथ में झाड़ू उठाएंगे, क्योंकि उसके बाद सबके सब अब सक्रिय दिख रहे हैं और उन्होंने खास तौर पर आपको भी चुना अपने नवरत्नों में। तो क्या स्वामी रामदेव जो स्वच्छ हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, वो भी इसी अभियान का इंतजार कर रहे थे? नहीं, देखिए अंजना, आपको याद होगा, आपने तो अभी तक मेरे से कम भी नहीं तो 20-25 बार मुलाकातें की होंगी आज तक के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के सामने। आदर्श ग्राम योजना, इस योजना को हमने करीब 4-5 वर्ष पहले शुरू किया था। उसमें स्वस्थ गांव, स्वच्छ गांव, नशा मुक्त गांव और समृद्ध गांव, स्वावलंबी गांव, आत्मनिर्भर गांव, उसमें स्वदेशी की बात, मेक इन इंडिया की बात, ये सारी हमने पहले से ही की है। और उन हमारे उन संकल्पों को यदि मोदी जी आगे बढ़ाते हैं, राजनीतिक तौर पर हम उन्हीं को श्रेय इसलिए देना चाहते हैं कि हम श्रेय के लिए काम कर ही नहीं रहे। हम तो एक बेहतर हिंदुस्तान बने जहां दिव्यता हो और भव्यता हो, जहां शांति हो, समृद्धि हो, जहां धर्म भी हो और वैभव भी हो, प्रॉस्पेरिटी भी हो और जो है स्पिरिचुअलिटी भी हो। तो ये संकल्प जो है, चाहे वो आदर्श गांव का है, चाहे स्वच्छता का अभियान है, स्वच्छता के लिए मैंने अपने एक दो नहीं, अपने हजारों अपने भाषणों में, अपने प्रवचनों में, अपने कार्यक्रमों में इस अभियान को हमने ताकत दी थी। लेकिन राजनीतिक तौर पर उस कार्य को कभी भी स्वीकार्यता और सम्मान नहीं मिला, बल्कि इन सब बातों को नैपथ्य में धकेल दिया जाता था। एक बार, एक पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो ऐसे रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है। तो बात प्राथमिकता की है और राजनीतिक तौर पर हम उन्हीं को श्रेय देना चाहते हैं, इसलिए यहां हम श्रेय लेने के लिए इस काम को नहीं कर रहे हैं और खाली फोटो खिंचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को करीब 3 बजे तक करीब करीब 6 घंटा हमने पूरी ईमानदारी से उस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया।
खाली झाड़ू हाथ में लेकर के या तसला फावड़ा हाथ में लेकर के फोटो खिंचवा करके और फेसबुक पे डाल दी, ट्विटर पर डाल दी, छपास और दिखास की कोई महत्वाकांक्षा के तहत हमने काम नहीं किया। और जमीनी स्तर पर आप अपने रिपोर्टर से पूछ लिए आप, नहीं तो मैं आपको भेज देता हूँ, करीब 3 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको। और ये केवल हरिद्वार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में 600 से ज्यादा जिलों में हमारा संगठन है, 5000 से ज्यादा तहसीलों में, लाखों गांवों में हमारा संगठन है। हमारा यह अभियान, क्योंकि उस अभियान को एक सम्मान मिला है, तो इसको हम पूरे आगे लेकर के जाएंगे। और ये मात्र नरेंद्र मोदी का ही जो है प्रश्न क्यों है, क्या यह हम सब भारतीयों का प्रश्न नहीं है कि हमारा भारत स्वच्छ रहे? तो हम इस अभियान को नरेंद्र मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी, इसलिए श्रेय उनको देना चाहते हैं, लेकिन इसको अपना कर्तव्य मान करके हम करना चाहते हैं। इसमें किसी भी तरह से हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, आप अन्ना आंदोलन से जुड़े स्वामी जी, फिर अन्ना आंदोलन टूटा एक तरह से और अरविंद केजरीवाल अलग हुए, उन्होंने झाड़ू को अपना चुनाव चिन्ह चुन लिया, आज वो झाड़ू आपके हाथ में है। देखिए अंजना, फिर वही बात आएगी, अन्ना हमसे जुड़े कि हम अन्ना से जुड़े, फिर ये भी अतीत के प्रश्न हैं, मैं इनमें नहीं जाना चाहता। अन्ना जी जहां पतंजलि योगपीठ में बैठकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहीं पर आए थे और उनको उत्तर भारत में पहली बार सार्वजनिक मंच पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, परिचय करवाया था। और यही नहीं, दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान तक, और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिए थे उस समय जब हमने उनको परिचय कराया कि हम स्वामी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो अन्ना जी से हम नहीं जुड़े थे, अन्ना जी हमसे जुड़े थे, और वो भी क्योंकि राष्ट्रहित का काम कर रहे थे। जो भी कोई देश की भलाई का काम करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे भले ही बाद में चाहे कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारा आदर दे या हमारा अनादर करे, ये हमारे लिए प्रश्न है ही नहीं। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न, अरविंद केजरीवाल भी यहां आए थे, उन्होंने जो है आज से करीब 10 साल पहले भी मेरे पास आए थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहता हूं। तो हमने कभी भी अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भी कोई अनादर का भाव नहीं रखा, हमने तो उनके प्रति भी शुरुआती दौर में हमने यही रखा कि वे कुछ अच्छा काम करेंगे। तो आज भी हमारा आदरणीय अन्ना जी के अनादर नहीं है, आज भी हमारा भाई अरविंद जी के लिए अनादर नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश में राजा बने, श्रेय चाहे किसी को भी मिले। लेकिन एक झाड़ू था ना जिसको उन्होंने अपना लिया था, हर जगह ऑटो पे, हर जगह पीछे चुनाव चिन्ह के रूप में दिखाया था, आप लोगों ने झाड़ू भी नहीं रहने दिया अरविंद केजरीवाल के पास। अब देखिए बहन, ये राजनीतिक बयान हो जाता है कि जो है आदरणीय मोदी जी ने नेहरू जी को भी छीन लिया, इंदिरा जी को भी छीन लिया, पटेल जी को भी छीन लिया, महात्मा गांधी जी को भी छीन लिया, कोई छीना झपटी नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपने पुरखों ने जो भी कुछ अच्छा किया उनको आदर्श मान करके हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, और पुरखे किसी की भी विरासत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी भी किसी की विरासत नहीं है, क्योंकि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक वो एक आंदोलन थी, उसके बाद उस पार्टी में कुछ अच्छे लोग थे, आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस में ही थे, महात्मा श्रद्धानंद जी जिनको मैं अपना जो है सार्वजनिक जीवन का सेवा का आदर्श मानता हूँ वो कांग्रेस में ही थे, पटेल साहब कांग्रेस में ही थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की वो कांग्रेस में ही थे। मैं ये छीना झपटी वाली बात में विश्वास नहीं रखता। मैं तो कहता हूँ पुरखे किसी पार्टी के, किसी संप्रदाय के, किसी मजहब के, किसी देश के नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया वो पूरी मानवता की भलाई के लिए काम किया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने किसी को राजनीतिक तौर पर छीन लिया या हमने झाड़ू जो है वो केजरीवाल के हाथों से छीन ली, ये सब राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। और हाँ, हमने एक राजनीतिक तौर पर परिवर्तन की बात कही इस देश में, क्योंकि उस समय जो सत्ता थी उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक ईमानदारी वो जो है वो निम्नतर स्तर पर पहुंच चुकी थी, इसलिए हमने उस समय राजनीतिक परिवर्तन की बात की। आज भी हम गैर राजनीतिक हैं, कल भी हम गैर राजनीतिक थे और आगे भी गैर राजनीतिक रहेंगे, लेकिन राष्ट्र की बात करेंगे क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इसी बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं। ना हमने किसी की झाड़ू छीनी, ना हमने किसी के जो है किसी प्रतीक को छीना और ना किसी के पुरखे को छीना। हम तो ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान और उस अभियान के एक योगी जो कि आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के सफाई योगी, हमारे साथ स्वामी रामदेव लगातार बने हुए जिनसे हम चर्चा करें। स्वामी जी, कई लोगों को ये डर और मन में बात है कि ये प्रतीकात्मक ना बनकर रह जाए, क्योंकि ये 9 रत्न उन्होंने चुन लिए, उसके बाद 9 में से 9 ऐसे पास होगा, लेकिन 125 करोड़ लोग हैं, कैसे साधन नहीं बनाएंगे आप, सिस्टम नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ लोगों के झाड़ू उठा लेने से साफ हो जाएगा हिंदुस्तान?
देखिए अंजना, मैं तीन चरण मानता हूँ इस सफाई अभियान के। एक जो एग्जिस्टिंग जो इस समय गंदगी फैली हुई है उसको इकट्ठा करना और उसको सही जगह पहुँचाना। दो लोग बार बार गंदगी ना फैलाएं इसके लिए एक जागरूकता चलाना, और जो है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो विदेशों में, मैंने देखा यूरोप में, पूरे यूके में, यूएसए में, एक ग्रीन वेस्ट, एक रिप्रोसेसिंग वेस्ट, एक जनरल वेस्ट के लिए डब्बे रखे जाएं, उसका आदर्श रूप में हम यहाँ से करेंगे उस काम को। जहाँ तक आपने नो और नो की बात कही, हमारे पास हिंदुस्तान भर में कम से कम नहीं तो 600 से ज़्यादा जिलों, 5000 से ज़्यादा तहसील और लाखों गाँव में कम से कम 9 लाख कार्यकर्ता हैं और करोड़ों हमारे समर्थक हैं। उन सबको जब इस काम में लगाएंगे तो आपको परिणाम दिखेगा। ये खाली समय जी, वक्त की जरा कमी है, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए आप हर किसी को पहुंचेंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, हाँ या ना में प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। आपने कहा आप अराजनैतिक हैं, तो क्या कभी जरूरत पड़ी, कभी लगा कि प्रधानमंत्री पद से डगमगा रहे हैं, पद से, तो बाबा रामदेव क्या उनके खिलाफ भी बोलेंगे, हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना वाला आपने प्रश्न ही नहीं पूछा। आपने कहा यदि वो अपने राजधर्म से विचलित हुए तो आप क्या करेंगे, तो यदि वो विचलित होंगे तब आपसे कुछ बात करेंगे। अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े आशाओं से, बड़ी उम्मीदों से लोगों ने बहुत अरसे के बाद एक व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बहुत ठीक है, आपकी उम्मीद भी लगभग वैसी ही जैसे पूरे हिंदुस्तान की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप देखते रहिए आज तक।